आज हम शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं और इस कारण भारत के राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई है। राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं या जो कार्य हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। आज हम चर्चा करेंगे सामान्यकालीन शक्तियाँ। संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्रदान की गई है उसमें पहली है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और इन शक्तियों का प्रयोग वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करा सकता है। संघ के सभी अधिकारी इसके अधीन हैं। इसकी इन शक्तियों में अनेक कार्य उसको करने होते हैं। पहला है शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उसके माने जाएंगे। उसे संघीय शासन से संबंधित सभी मामलों में सूचना पाने का अधिकार है। प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और प्रशासन संबंधी सभी मामलों के विषय में सूचना दे, जिसके बारे में राष्ट्रपति ऐसी सूचना मांगे। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। राष्ट्रपति भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, उसकी सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य और विदेश में राजदूत आदि। इन उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति को कई प्रशासनिक आयोगों की नियुक्ति का भी अधिकार प्राप्त है, जैसे अंतर्राज्य परिषद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राज्य भाषा आयोग तथा पिछड़े वर्ग की दशा में सुधार संबंधी आयोग। राष्ट्रपति को मंत्रियों, राज्यपाल, महान्यायवादी, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदच्युत करने का भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसमें से कुछ अधिकारियों की पदच्युति के संबंध में विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। राष्ट्रपति द्वारा इन अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार की जाती है। सामान्यतः राजनीतिक परिस्थितियों में तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन में भी अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में जनादेश स्पष्ट न हो अथवा जब आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए और लोकसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट न हो तो प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक कुछ ऐसे अवसर आए हैं। पहली बार मोरारजी देसाई सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री पद पर चरण सिंह के चयन द्वारा, दूसरी बार वीपी सिंह सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री पद पर चंद्रशेखर के चयन में राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग किया। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी के चयन में भी राष्ट्रपति की कुछ भूमिका अवश्य रही। 11वीं लोकसभा के चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका रही। भारत की दलीय व्यवस्था में एक दल की प्रधानता की स्थिति पूर्णतः समाप्त हो गई तथा संघीय स्तर पर भी राजनीतिक उथल पुथल का चक्र चलता रहा। अतः भविष्य की राजनीति में ऐसे अवसर अधिक उत्पन्न हो सकते हैं जबकि प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करे। ऐसी स्थिति में
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकता है कि एक निश्चित अवधि, ये अवधि 1 सप्ताह से 1 माह हो सकती है, में लोकसभा का अधिवेशन बुलाकर प्रधानमंत्री लोकसभा से विश्वास मत प्राप्त करें। विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के नियम बनाने की शक्तियाँ प्राप्त है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्ति और संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण आदि के संबंध में नियम बनाता है। कुछ अन्य अधिकारियों के कुछ प्रशासनिक कार्य अथवा निर्णय के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी कार्य प्रणाली के संबंध में बनाए गए नियम तथा संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में बनाए गए नियम इत्यादि। संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति। राष्ट्रपति को ये भी अधिकार प्राप्त है कि वे राज्य सरकार को निर्देशित, नियंत्रित तथा समन्वित करें। समन्वय नीति तथा राज्यों के पारस्परिक विवादों के निपटारे के संबंध में परामर्श देने के लिए वह अंतर्राज्य परिषद का गठन करता है। वह किसी संघीय विषय का प्रशासन राज्य सरकार को सौंप सकता है। संघीय क्षेत्र के प्रशासन का तो उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर ही होता है। अंतर्राज्य मामलों में प्रतिनिधित्व। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेश में स्थित भारतीय दूतावास के लिए राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र को स्वीकार करता है। परंतु जहाँ तक विदेश से संधियाँ और समझौते करने का संबंध है, ये संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, किंतु इस संबंध में वास्तविक पहल मंत्रियों के हाथों में ही रहती है और इन संधियों और समझौते का संसद द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। राष्ट्रपति को प्रधान सेनापति बनाकर संविधान ने सदैव के लिए ये निश्चित कर दिया है कि सैनिक शक्ति नागरिक सत्ता के अधीन रहेगी। प्रतिरक्षा, सेनाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। इस दृष्टि से भारतीय राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ अमेरिकन राष्ट्रपति से बहुत कम है, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा सेनाओं को युद्ध स्थल में भेजने का कार्य भी किया जाता है। विधायिकी शक्तियाँ। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, भारत की संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है और इस संबंध में राष्ट्रपति को कई तरह की शक्तियाँ प्राप्त हैं। विधायी क्षेत्र का प्रशासन। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में प्रशासन के संबंध में अनेक शक्तियाँ प्राप्त है। वह संसद के अधिवेशन को बुलाता है और उसी के द्वारा संसद का अधिवेशन का सत्रवान भी होता है। वह किसी भी समय लोकसभा का विघटन कर सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है। इस अभिभाषण में ब्रिटेन के सम्राट के भाषण की तरह ही शासन की नीति का वर्णन किया जाता है। अन्य अवसरों पर दोनों या किसी एक सदन को संदेश भेजने के अतिरिक्त वह उसकी बैठक में भाषण दे सकता है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद होने की स्थिति में वह उसकी संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जिसके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।
विधेयकों पर निषेधाधिकार का प्रयोग। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के सामने उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून का रूप ग्रहण करता है। वह विधेयक को अपनी इच्छा अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ पुनः विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। इस प्रकार राष्ट्रपति की निषेधात्मक शक्ति अंतिम नहीं है और इस संबंध में अमेरिकन राष्ट्रपति की शक्ति वास्तविक तथा अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत विधेयक को दूसरी बार पास होने के लिए कांग्रेस के प्रत्येक सदन से 2/3 बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है, जो साधारणतः संभव नहीं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस समय भारत की संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो और उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है, इन अध्यादेशों को संसद द्वारा पास किए गए अधिनियमों के समान ही मान्य एवं प्रभाव प्राप्त होगा। यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन यदि संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि के पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। राज्य के संबंध में विधायक शक्ति। राष्ट्रपति को राज्य के विधानमंडल के संबंध में भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। यदि कोई राज्य जो है वो निम्नलिखित विषयों पर अधिनियम बनाता है तो वह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही लागू होंगे। जैसे पहला, राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम। दूसरा, वह अधिनियम जो ऐसे विषय पर निर्मित किए गए हैं जिन पर भारत की संसद को भी अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है और जिसका संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों से विरोध है। कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने वाले अधिनियम। किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्य के साथ व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की आय और व्यय का अनुमानित विवरण रखवाएगा। उसकी अनुमति के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। भारत की आकस्मिक निधि पर भी उसका नियंत्रण होता है। वह इस निधि से आकस्मिक व्यय के लिए संसद की आज्ञाएं प्राप्त करने से पूर्व ही धनराशि दे सकता है। इसके बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। उसे एक वित्तीय आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है, जो राज्य की आर्थिक सहायता तथा करों की आय के विवरण के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आय कर की राशि को केंद्र और राज्य सरकारों में बांटने तथा पटसन से होने वाली आय के बदले पश्चिमी बंगाल, बिहार और ओडिशा को आर्थिक सहायता देने का कार्य भी वही करता है। न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति किसी अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है या उनके दंड को स्थगित या कम कर सकता है। राष्ट्र सजा पाए हुए व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति 2 तरह की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उन सब बातों में जहाँ दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, उन बातों में जहाँ मृत्युदंड दिया गया हो, किंतु राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्ति का राज्यों के राज्यपाल और सैनिक न्यायालयों के सैनिक अधिकारों की क्षमादान संबंधी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार उन सब मामलों और अपराधों पर प्रभावी होगा जिसका संबंध संघ की शक्तियों से संबंधित अपराधों से होगा, किंतु राष्ट्रपति समवर्ती सूची वाले मामलों से संबंधित अपराधों पर क्षमादान उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि संसद ने
उक्त मामलों पर से राज्य की कार्यपालिका शक्ति को अलग न मान लिया गया हो। राष्ट्रपति अपने समाधान के अधिकार का प्रयोग अपने मंत्रियों की मतगणना के आधार पर ही करता है। ऐसी ही स्थिति इंग्लैंड में भी है। अमेरिकन राष्ट्रपति दोष सिद्ध होने से पूर्व या पश्चात जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार क्षमा प्रदान कर सकता है, किंतु भारत का राष्ट्रपति दोष सिद्धि के बाद ही क्षमा प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति को सर्व क्षमा प्रदान करने के लिए संसद की अनुमति प्राप्त करनी होगी, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के मामलों में क्षमा प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति को क्षमादान का ये अधिकार इस आधार पर प्रदान किया गया कि न्याय में दया का पुट होना चाहिए। संविधान में राष्ट्रपति को ये भी अधिकार दिया गया है कि वह सार्वजनिक महत्व के किसी ऐसे प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की सम्मति मांग सके जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्नग्रस्त हो। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास किसी प्रस्तावित विधेयक या प्रश्न को भेज सकता है और पूछ सकता है कि अमुक विधेयक विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है अथवा नहीं। उच्चतम न्यायालय की मंत्रणा मानना राष्ट्रपति के विवेक एवं निर्णय पर निर्भर है। राष्ट्रपति ने जब तक सर्वोच्च न्यायालय में 9 बार परामर्श प्राप्त किया है, 10वीं बार अयोध्या विवाद के प्रसंग में परामर्श मांगा गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर परामर्श देने से इनकार कर दिया। राज्यों से संबंधित अधिकार। राष्ट्रपति ने केवल केंद्रीय कार्यपालिका वरन समस्त भारतीय संघ का प्रधान है और राष्ट्रपति को भारतीय संघ के 29 राज्यों में और 7 संघीय क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। जैसे पहला, राष्ट्रपति को राज्य के व्यवस्थापन के संबंध में शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख सके। संविधान के अनुसार यदि राज्य के विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिसका संबंध उच्च न्यायालय के अधिकार कम करने से है या उन वस्तुओं पर कर लगाने से हैं जो संसद द्वारा जीवन निर्वहन के लिए आवश्यक घोषित कर दी गई हो, जो ऐसे विधेयक राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना ही होगा। राष्ट्रपति इन विधेयकों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है या विधेयकों को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति को राज्य के वित्त के संबंध में कुछ अधिकार प्राप्त हैं। यदि संसद कोई ऐसा कर लगाने जा रही है जिससे राज्य प्रभावित हो सकते हैं, तो संसद को राष्ट्रपति से इसकी पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार को ऐसे विषय से संबंधित कार्य सौंप सकता है जो साधारण रूप से संघ की कार्यपालिका के हों। इन सबके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका के प्रधान राज्यपालों की नियुक्ति करता है और ये राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति विश्वासी रहकर ही अपने पद पर कार्य करते हैं। आज हमने राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करी। अगली क्लास में हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।